हर घर विच एक प्रॉब्लम है, मतलब मिलेगी मिलेगी, किसी ने कोई दर्द एंड बैक पेन सब तो ज्यादा कॉमन है, कमर दा दर्द। कितनी देर पेन महसूस होवे ते फिर थानू इलाज दी जरूरत? पेन इज अ सिम्पटम, पेन डिजीज नहीं है। एयर डिस्क खिसकना नॉर्मल एजिंग दा भी रूटीन है, या जो रूटीन भी फैमिली गेट टुगेदर हो रहे हैं, एवरीवन इज स्टूपिंग, सारे झुक के बैठ रहे हैं, है ना, कोई भी अच्छा चेयर ते नहीं आना चाहता। अगर तुसी जिन्ना ज्यादा बैक पोस्चर विच जाओगे उन्ना ज्यादा मसल्स वीक होएगी। कि किस पोजीशन दे विच बंदा बैठे कि बैक पेन अवॉइड कीता जा सके? तो सब तो पहले ते हमेशा सिटिंग चेयर ते करनी है, एक गल दा विशेष ख्याल रखना है, बैठते बहना ही नहीं है। थोड़ी कुशन चेयर ता भी तुसी अपना पिलो बैक ते जरूर यूज करना है। पिंडा विच हुण अजकल उस तरह की भी मेहनत नहीं रही जिदा पहला होंदी सीगी फिजिकल वर्क, है ना, तो पहला भी क्योंकि फिजिकल वर्क ज्यादा होंदा सीगा, इस करके उन्हां दी स्पाइन जिहड़ी मसल्स सीगी सॉलिड सीगी। कि बच्चां दे विच भी इस तरह की समस्या है? आई एम सीइंग पेशेंट एज अर्ली 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे भी बैक पेन लेके आ रहे हैं, जिदा बेडशीट चेंज करना, जिदा किचन में छोटे छोटे काम होंगे, घर की सफाई हो गई, वो ज्यादा जरूरी है, पहला जरूरी है। अगर तुसी वो सारा कुछ ठीक नाल कर सकते हो, उसके बाद डिसीजन लो कि हाँ मैं हुन जिम करना है, मैं एरोबिक्स करना है। आजकल गूगल माता दी भी जाए, वो भी बहुत सारे ऑप्शन है गूगल माता से, तो कई बार असं वेखने पेशेंट्स उतों की कई कई न्यू एक्सरसाइज ट्रेन करके अपनी बैक नू इंजर कर लेंगे। डिलीवरी तो बाद जो उस टाइम भी बैक पेन ना लो बहुत जूझते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, जिदा कहने की जो सिजेरियन हो गया ऑपरेशनल बच्चा होया तो बैक पेन आएगा ही आएगा, यह पुरानी गल है। डिलीवरी के बाद नॉर्मली द मोस्ट कॉमन रीजन इज फीडिंग पोस्चर। फीडिंग में अक्सर मदर इदा आदि ने, वो बच्चे पूरा कंफर्ट देंदिया ने, अपना कंफर्ट भूल जाने।